لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يَوْمٍ هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول أخدة من لساني يفقهوا قولي نازلين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميت كرتهم आप तमाम तमामजरात ब आफियत होंगे। दूसारी ग्रामी जिस तरह से आप हजरत मस्तर हैं कि हूर मीडिया टीम के जानब से जो हमारी सिलसिलेवार क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारी आज की क्लास का अखलाक है अखलाक इस्लामी के केनवान से आज की हमारी आ, क्लास और दर्ज है इससे पहले वाली क्लासेज में और यह हमारे दूसरे महीने का आखिरी दर्स है और यह आखिरी क्लास है जिस तरह तरह से आप हजरात मतर हैं और आपको याद होगा कि हमने गुजत क्लासों क्लासेज में क्लासों में जो है तकरब इलाही और खुदा से नज़दीक होने के कुछ सिफात के ऊपर गुफ्तु की थी खे और हमने बताया था कि अखलाक जो है एक आ, बेहतरीन सफ़ात का ख़ूबसूरत गुलदस्ते का नाम है जिसके वजह से जो आदाब और जो रोशनी निकलती है उस चीज़ का नाम है आदाब इस्लामी आदाब इस्लामी में हमने कुछ सिफ़ात के ऊपर तबसरा और बहस की थी कि जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और वो इबादात जो जाहिरन तो बड़ी आसान नज़र आती है लेकिन उनके असरात और नतीजे बहुत अजीम और बेहतरीन होते हैं अब जो सबसे आखिरी चीज़ हमने आज इंतखब की है और इसके बाद इन शान हमने बताया था कि आदाब इस्लामी तीन किस्म के होते हैं एक वो जो एक तकरब बरतबाद ब खुदा दूसरी होती अरतबाद बुद और तीसरी जो चीज़ थी वो अरतबाद बजतमा या दीगरान था दूसरों की तरफ दूसरों से अरतबात पैदा करना आज जो हमारी जो पहली बहस चल रही थी अरतबाद ब खुदा उसका इनशाला आज का आखिरी सीज़न होगा और कुछ बयान इनशा हो जाएगा इसके बाद जब हम इरतबात ब दीगरान यानी इजतमाक़ से अरतबात के ऊपर बहस करेंगे आखिर जो चीज़ थी खुदा से अरतबात और नज़दीकी की वो क्या है परवरदिगार आलम अपनी किताब बाबरकत में इरशाद फरमाता है कि इन सलात तनहा अनिल्फा वमुनकर वल जिक्र अकबर हमने कहा था जिक्र एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान तकर्रब इलाही हासिल हो सकता हासिल कर सकता है इंसान खुदा से नज़दीक हो सकता है इसीलिए परवरदिगार आलम ने इर्शाद फरमाया एक और ऐसी अब आखिरी जो चीज़ है जो अल्लाह से हमें नज़दीक करती है वह है इबादत हमने वो वो चीज़ें जो अज़कार थे वो शुक्र था और तफक् था और सोचना था खुदा के ऊपर फिक्र करना था वो सब चीज़ें हमने गुजरती अब जो असल चीज़ है असल अहदाफ है हमारा इसलिए खुदा ने हमें भेजा है वह है इबादत क्या है ख़ुदा बंद फरमाया है कि खलकुल्चन्ना वालसूल ने इंसान को इसलिए ही पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करे मेरी इत करे अब जो इबादत में जो सबसे ऊपर कोई चीज़ जब हमें नज़र आती है वो सबसे बेहतरीन जो चीज़ नज़र आती है वह है सलात यानी नमाज बेहतरीन इबादत अफज़ल तरीन इबादत ने खुद इरशाद फरमाया है कि इलाद तनहा अनिल मुनकर कि बेशक नमाज जो है इंसान को रोकती है फ़हशा वल मुनकर बुराइयों से और गुमराह कुन चीजों से नमाज के दो फायदे हैं एक फायदे खुदा वंदे आलम बयान किया पहली चीज इंसान को रोकती है तनहा अनिलफा वल मुनकर बुराइयों से रोकती है और फैशा से रोकती है और दूसरी चीज़ वला जिक्र अल्लाह अकबर और यही नमाज जो है अल्लाह का बेहतरीन ज़िक्र है सबसे बड़ा है। वला जिक्र अल्लाह अकबर अकबर यानी जो सबसे ज़्यादा ऊँची सबसे ज़्यादा बुलंद और सबसे ज़्यादा बड़ी और बुज़ुर्ग हो वला जिक्र अल्लाह अकबर नमाज जो है वो अल्लाह की इबादत बल्कि अल्लाह के जिक्र में सबसे ऊंचा मकाम रखती है हमने इससे पहले ज़िक्र के बारे में पढ़ा था कि ज़िक्र क्या चीज़ होती है ज़िक्र वो है कि जो इंसान के कुलूब को मतम करती है इतमान करती है और अल्लाह से नज़दीक होने का बायस बनती है और वही ज़िक्र अगर सबसे बड़ी चीज़ क्या है विकर अकबर नमाज सलाद अल्लाह से इलाही का सबसे बेहतरीन ज़रिया है और इसकी दली, उसके बेहतरीन मिसाल क्या है जब हम वज़ू करके बेहतरीन आमदगी के साथ जहनी ताज़गी के साथ जब मसल्हे के ऊपर खड़े होते हैं और मुसल्ले के ऊपर जब हम हाथ उठाने से पहले अल्लाह अकबर और तकबीर कहने से पहले जो नियत करते हैं उस चीज़ में ही आई हाँ खुलासा हो जाएगा कि नमाज कितनी बड़ी इलाही का क्या है मसलन जब हम नियत करते हैं क्या करते हैं नमाज़ पढ़ता हूँ मैं फ़ज्र की वाजिब कुर्बतन इल्लाह नमाज पढ़ने का हदफ क्या है नमाज पढ़ने का मकसद क्या है अगर हम नियत में ही देखेंगे तो हमें उसका हदफ और मकसद पहला मकसद नज़र में आया हदफ और मकासद तो बहुत ज्यादा है इसका सबसे बड़ा और पहला मकसद क्या है वाजिब कुरबतन वाजिबर्बन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ इस मकसद से किस मकसद से कुरबतन कुरबन ताकि मैं इस नमाज के जरिए से अल्लाह की कीबत हासिल कर सकूँ अल्लाह से नज़दीक हो सकूँ अल्लाह का तकरब हासिल कर सकूँ कुरबतन अल्लाह यानी नमाज का पहला हदफ ही यही है कि इंसान को बंदे को उसके मबूद से जाके मिला दे उसके बंदे को मबूद से मिला दे उसके अब्द को मबूद से, से मिला दे आशिक को माशूक से मिला दे मुहिब को महबूब से मिला दे ये नमाज का मकसद होता है पहला मकसद ये है और दूसरी चीज़ क्या है नमाज के फवाद क्या हैं नमाज के फ़ायद मकसद था और फायदे हैं तनहा अनिल फहशा एवल मुनकर जो शख्स भी नमाज पढ़ता है इंसान तो ख़ुदांद आलम ने यहाँ पर इम्तहान के लिए भेजा है बहुत शदीद इम्तहान है और ये बे बाल तरीन इम्तहान इम्तहान में जितने भी हम इम्तहान देते हैं ये एक पूरी ज़िंदगी पूरी एक इम्तहान है और इस इम्तहान में ही हम काफ़ी इम्तहान देते हैं इम्तहान दर इम्तहान जिसे कहा जाता है तो अगर इस इम्तहान को समझ रहा है तो हम छोटे इम्तिहान को देखें हम अपनी छोटे छोटे जो इम्तहान देते हैं साल भर में जो कुछ इम्तहान देते हैं क्लासेज़ में स्कूल में जो इम्तहान देते हैं एक दिन का इम्तहान होता है वो लेकिन उस एक दिन के इम्तिहान के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं भर करते, साल भर पढ़ाई करते हैं साल भर पढ़ाई करते हैं कि हमें इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल करना है सिर्फ नंबर के लिए उसका और उस नंबरों का नतीजा भी नहीं पता कि आपको उस नंबर जो आपको नंबर मिलेंगे उसका असर उसका नतीजा आपको फ्यूचर में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा ये भी एक कि इतफ़ाक़ ये मिल गया तो ठीक नहीं मिला तो फिर बस पढ़ लिए इसका यानी नहीं आपको नतीजा भी पूरा यकीन नहीं है कि हमको इसका नतीजा मिलेगा इस नंबर का आपको अच्छी बेहतर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी लेकिन वो जो हमारी ज़िंदगी का इम्तहान है हमारी ज़िंदगी का जो इम्तिहान है उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं उसके इम्तिहान में क्या करना है उसमें इम्तिहान में हमें पूरा पेपर आउट हो चुका है हमें क्या करना है हमें अल्लाह ने जो जो बता दिया कि इम्तिहान में क्या क्या आने वाला है हमें बेहतरीन काम करना है हमें एहसान करना है हमें खुदा की परस्तश करना है हमें लोगों को आज़ार और अजियत नहीं पहुँचाना है हमें अपनी ज़िंदगी अखलाक के साथ गुजारना है हमें अपने इल्म में इजाफा करना है हमें खुदा को खुदा को पहचानना है उसके भेजे गए नुमाइंदों को पहचानना है और उनसे रबत और उनसे मोहब्बत करना है ये मुख्तसर सी तारीफ़ हमें इम्तहान में क्या क्या करना है अल्लाह कर, का ये सारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान है हमें उसमें क्या करना है हमने क्या किया इस इम्तहान में अब ये इम्तहान है इस इम्तहान में खुदा वंद आलम जो ने हमारे लिए जो इम्तिहान रखा है इसमें एक पे सबसे बड़ा जो हमें उलझाने वाला है हमें जो इम्तिहान से गफलत करने वाला है वो है शैतान मुसलसल हमें इस इम्तहान से भटकाने की कोशिश करता है रायमस्कम से गिराने की कोशिश करता है हटाने की कोशिश करता है लेकिन अल्लाह ताला ने इसका भी एक तरीका रखा है देखो कहा है कि हमने तुम्हें इम्तिहान दिया हमारे हमने तुम्हारे लिए एक इम्तिहान रखा है दुनिया को ये तुम्हारी ज़िंदगी एक इम्तिहान है है ना अब इम्तिहान में ये भी बता दिया कि तुम्हारे जो आखिरी में जो इम्तहान होगा तुम्हें तैयारी करना है इस इम्तहान में इम्तिहान जो होगा वो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी अखलाक किरदार खुदा परस्ती और लोगों को मदद करना एहसान करना ये सब चीज़ें इम्तहान में आएगी अब ये बताए कि अब जब तुम पढ़ाई करोगे तो एक शख्स एक जात एक किरदार है शैतान या शैतानी किरदार है जो तुम्हें तुम्हारे इम्तिहान से भटकाएगा है ना तुम्हें तुम्हारी तैयारी से भटकाएगा तो तुम क्या करना उसका भी रास्ता अगर तुम उससे बचना चाहते हो अकीम सलात इन सलात तनहान कर अब वो जो बहकाएगा क्या गुनाह करवाने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करना अकीम सलात तुम नमाज पढ़ो सलात नमाज पढ़ो क्यों क्योंकि इन इलाद तनहान मुनकर ये नमाज है जो तुम्हें बुराइयों से और बुरे कामों से रोकती है शैतान तुम्हें हजार कोशिश करेगा भटकाने की लेकिन तुम नमाज पढ़ोगे तुम नहीं भटकने वाले तुम शैतान के झांसे में नहीं आने वाले क्यों क्योंकि तुम नमाजी हो तुम परहेजगार हो तुम अल्लाह का सजदा करते हो जो शख्स भी सजदे में खुदा के सामने झुक जाएगा खुदा उसके सर को कभी सीधे रास्ते से भटकने नहीं गा खुदा उसकी कुमक करेगा तो नमाज पढ़ता अल्लाह का वादा है तनहा अनिल फैशा वाल अकबर और सबसे बलन तरीन सबसे ऊंचा जिक्र, है।, जिक्र इलाही है क्या नमाज तो हमें ये नमाज का अहतमाम करना चाहिए खुदा का वादा है कुछ वादे जो हमने गुजाए थे इससे पहले खुदा के वादे जो गिनाए थे कि खुदा शुक्र करने वालों को इजाफी देता है जो जिक्र करता है उसके क्लू मतमयन कर देता है और जो इबादत में गर्क हो जाता है खुदा उसके दिल को बेनियाजी से भर देगा इसी तरीके से एक वादा यह भी है कि इन सलाती नसीहत खुदा के अनसलातन अनिल फहशाय वालकर जो नमाज पढ़ता है उसको नमाज खुद रोकती है सलात नमाज पढ़ो के सलात बुराइयों से और गुमराही से तुम्हें रोकती है और अल्लाह का बेहतरीन ज़िक्र है अल्लाह ने हमें नमाज दी है अब किसी को यकीन नहीं है कि उसकी नमाज उसके अमाल उसने जो एहसान किए हैं उसने जो यहाँ पर अमाल खैर बजा लाए हैं कोई नहीं कह सकता कि हमारे वो अमाल कबूल हुए हैं या नहीं हुए हैं खुदा ने शर्त बता दी कि अमाल हैं ये करना है लेकिन इसके अंदर ये शरूत होना चाहिए पहली शर्त वो खालिस होना चाहिए यानी खुलूस उसके उन कामों में होना चाहिए दूसरी शर्त दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए किसी और के लिए वो काम अंजाम ना दिया जाए सिर्फ मेरी रजा के लिए वो काम नहीं बगैर लालच के लालच से पाक वो काम होना चाहिए अभी इंसान ये सब चीज़ों को अगर शरात को पूरा यकीन कर ले कि हाँ मैंने इन शरात के साथ इबादत की तब तो वो यकीन कर सकता है कह सकते हैं हाँ मैंने इस शरात के साथ अपनी इबादत की है तो अल्लाह कबूल कर लेकिन किसको किसको यकीन है भाई हम, हमें तो यकी नहीं है कि खुदा हमारे अमाल इतने ये नहीं है कि खुदा की बारगाह में पेश कर सके लेकिन हम यही खुदा से दुआ करते हैं खुदा या अपने फजल के जरिए से हमारे अमाल को कबूल कर लेकिन एक तरीका बताया खुदा मंद आलम ने मन हा खुदांद अगर एक तरीका मासूमिन ने बताया है रसूल खुदा सलात वसलाम अर्शाद फरमाते हैं कि अगर कोई जांचना चाहता है कि उसके अमाल उसकी नमाज़ें उसका किरदार उसका जो खैर खे, आमाल खैर अंजाम देता है वो कबूल हो रहे हैं या नहीं रहे वो किस तरीके से जानें रसूल ने फरमाया कि मन लम तनहलात अनिल फैशः वमुलकर लम यजिज़ मिनल ये तो दूसरे हदीस इसमें फरमाता है कि वो इमाम फरमाते हैं कि जिसको जानना है कि उसके आमाल कबूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसे चाहिए कि वो अपने किरदार अपने आमाल पर अपने आप पर नजर करे कैसी नजर करे देखे कि उससे गुनाह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं यानी क्या यानी वो अपने आप को देखे कि वो कितना गुनाह अंजाम देता है दिन भर में क्यों कहा कि वो इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इन सलात तनहा अनिल वल मुनकर नमाज जो है वो इंसान को रोकती है बुराइयों से गुनाहों से अब अगर इंसान नमाज भी पढ़ रहा है और गुनाह भी कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नमाज़ गुनाह भी कर रहा है यानी इसकी नमाज इसके गुनाहों को नहीं रोक रही अब जब नोक नहीं रही, रही है यानी क्या उसकी नमाज कबूल नहीं हुई ये नमाज़ पढ़ रहा है इसकी नज़र में लेकिन अल्लाह की नज़र में वो नमाज़ नहीं है या फिर कुछ लोग होते हैं जो कम गुना करते हैं यानी जितनी उसकी नमाज में खलूज होगा जितना ज़्यादा हो जितनी मकदार में उसकी नमाज़ कबूल होगी उतनी ही मकदार में उसकी नमाज उसे बुराइयों से रोकेगी समझ अगर वो कम गुनाह कर रहा है यानी ये कि हाँ कुछ हद तक उसकी नमाज ने उसको रोका है और कुछ हद तक इसका मतलब उसकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल की गई हैं अगर वो हंड्रेड परसेंट अपने आप को देखता है कि नहीं आज मुझसे एक भी गुनाह सरजद नहीं हुआ आज मैंने एक भी गुनाह को अंजाम नहीं दिया इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने आज की इसकी सारी की सारी नमाजें कबूल कर ली पूरी नमाज इसकी कबूल कर ली अब नमाज को अगर आपको जांचना है तो कोशिश कीजिए कि आपके अपने आप को देखें कि आप क्या बदन से आपके नफ्स से कितने ज़्यादा गुनाह सरजद हो रहे हैं अगर आपके आपने देखा कि हाँ अलहदुल्ल किसी दिन आपसे एक भी गुनाह सरजद नहीं हुआ यानी आपके उस दिन की नमाज़ें पूरी अल्लाह की बारगाह में कबूल की गई हैं इसके बाद नमाज क्या है मकसद क्या है नमाज का अल्लाह से रबत अल्लाह से नज़दीकी लाबता ला ला, अल्लाह अल्लाह की तरफ तरफत लेकिन रसूल अल्लाह ने एक अजीब हदीस इरशाद फरमाई है नमाज के बारे में नमाज़ का मकसद एक चीज़ होती है मैग्नेटिक चीज़ होती है ना मैग्नेट की तासीर क्या होती है मैग्नेट की तासीर होती है कि उसके अंदर एक दो बोध होते हैं एक बौध वो होता है कि जिसको आपस में आप आ, मिलाएंगे तो दो चुंबक आपस में टकरा जाते हैं आपस में एक दूसरे को खींचते हैं कशिश होती है लेकिन एक बौध वो होता है कि अगर आप उसको पलटा देंगे एक सूरत ये होती है कि उसको अगर आप पलटा देते हैं तो वही चुंबक जो आपस में एक दूसरे को कशिश खींच रहे थे वही मैग्नेट अब उनकी तासीर बदल जाएगी एक दूसरे को फेंकेंगे दूर भगाएंगे एक दूसरे को ये मैग्नेट की एक तासीर है कि एक तरफ उसका कशिश वाला होता है और एक तरफ उसका दूर फेंकने वाला होता है अपने आप से दूर भगाता है दूसरे मैग्नेट को ये एक मैग्नेट इसी तरीके से नमाज भी है नमाज एक तरफ रुख ये है नमाज का कि वाल मुनकर तनहानशा वालकर अल्लाह का बेहतरीन जिक्र है और लोगों को अल्लाह से नज़दीक होने का जरिया है एक सूरत यह है कि अल्लाह से नज़दीक होने का जरिया क्यों क्यों करबतन अल्लाह के कुर्बत के लिए नमाज पढ़ते हैं मकसद ये दफ है ना एक सूरत है नमाज कि नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह से नज़दीक होने के लिए और एक सूरत ये जो है जो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया क्या इरशाद फरमाया कि मन लम तन सला अनिल अनिलफा वल मुनकर लम यजद यज्द मिनल्ला क्या रसूल फरमाते हैं कि जिसको उसकी नमाज बुराइयों और फैशा से नहीं रोकती तो समझ जाइए कि लम यज्जत मिनल्ला इल्ला बोदा तो अल्लाह के नज़दीक उसके लिए कुछ भी ज्यादा नहीं होगा बस एक चीज ज्यादा होगी क्या इल्ला बोदा बस ये कि वो अल्लाह से दूर हो जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह से दूर हो जाएगा दूसरी सूरत है नमाज किस लिए पढ़ी जाती है नमाज पढ़ी जाती है इसलिए कि हम कुर्बत करें हासिल कर नज़दीकी हो जाए कुर्बत हासिल कर अल्लाह की ये एक हदफ़ है ये एक सूरत है इसीलिए रसूल इसकी उसको रसूल ख़ुदा ने रत फरमाया इसकी दूसरी सूरत यह भी है कि जो शख्स नमाज भी पढ़ता है अगर उसको गुनाह रोक नहीं उस नमाज उसे गुनाहों से नहीं बचा रही तो समझ जाइए कि यही नमाज उसको खुदा से दूर करती जा रही है मैग्नेट के नमाज का दूसरा रुख है नमाज़ दूर कर रही है अल्लाह अकबर नमाज़ दूर कर सकती शर्त यह है कि वो आपकी नमाज आपको गुनाहों से रोके आपको आपके कंट्रो नफ्स को कंट्रोल में रखे आपको सिखाए कि किस तरीके से आपको अपने नफ्स को कंट्रोल में करना है ये नमाज सिखाती है अगर ये है तो ठीक है आपकी नमाज कबूल है खुदा के नज़दीक कबूल की जा रही है वरना अगर ऐसा नहीं है तो यही नमाज़ आपको गुमराह भी कर सकती है आपको ख़ुदा से दूर भी कर सकती है इसके लिए हमें क्या करना है इसके लिए हमें ये करना है कि रियाकारी से पाक नमाज हो नमाज़ पढ़ें यानी कि दिखावे से दूर नमाज पढ़ें अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ें और बग़ैर सिर्फ़ इबादत ख़ुदा के लिए नमाज़ पढ़ें ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम अपनी नमाज को बेहतर बना सकते हैं और क्या क्या, क्या कुछ नमाज़ के असरा हैं क्या क्या असरात हैं इन हसनात असलातलातुलमोमिन बिलहबो बेमा अमिल मिन बे बिल नहार इंसान ज़िंदगी में गुनाह करता है ऐसा कोई शख्स नहीं सिवाय मासूमिन आलत तो वसलम के जिनसे गुनाह सरजद नहीं होते है ना हम तो गुनाहों के अल इंसानो ख़ताए मरक्बिनसीान इंसान तो पुतला ही है मरक्ब है भूल चवाल का और नसीान का खता का इंसान से ख़ता होती रहती सरजत होती रहती है। लेकिन क्या करें अब अब खुदा से तोबा करें लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स गुनाह अगर इंसान से सरजत हो जाती है तो क्या करें नमाज मोमिन दर शब जो शख्स जो मोमिन शख्स शब की नमाज पढ़ता है नमाज लैल पढ़ता है तो अल्लाह ताला रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं हमश गुनाहान रोजश रूरा अजमयन मबर यानी इंसान ने दिन भर में जो गुनाह किए हैं वही शख्स जब रात में नमाज शब को पढ़ता है रात की नमाज को अंजाम देता है तो उसके सारे दिन भर के गुनाहों को महव कर दिया जाता है भुला दिया जाता है जैसा कि जैसे उसने अंजाम ही ना दिया हो जनाब मूसा आलातम से खुदांद आलम ने एरशात फरमाया मूसा क्या ऐसा नहीं है नमाज किसे कहते हैं क्या ऐसा नहीं है कि मैं एक महबूब अपने मुहिब को एक मुहिब अपने महब चाहता है कि अपने महबूब से राजो नियाज करे क्या ऐसा नहीं है कि एक आशिक अपने माशूक से रातों रातों में खलबत में एक राज व नियाज करें उससे बातें करें उसके दिल की बातें करें उससे चाहे कि वो क्या चाहता है उससे पूछे कि तेरी तेरी चाहत क्या है तू मुझसे क्या चाहता है क्या ऐसा नहीं है जनाबे मूस ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है एक माशूक यही चाहता है कि वो अपने आशिक के साथ बैठे उससे राजो नियाज करे उससे बातें करे ख़लब में बैठे अकेले में बैठे तो जनाब परवरदिगार आलम ने रिशात फरमाया कि आमूसा मैं क्या तुम लोगों का मुहिब नहीं हूँ तुम मेरे मैं तुम लोगों का महबूब नहीं हूँ मैं सारी रात इंतज़ार करता हूँ कि मैं वो बंदे जो मुझे अपना महबूब बनाते हैं वो बंदे जो मुझसे इश्क करते हैं वो बंदे जो कहते हैं कि मैं अपने खुदा से मोहब्बत करता हूँ मैं सारी रात इंतज़ार करता हूँ कि मेरा बंदा आएगा और मुझसे रात में कलाम करेगा ये बंदा आएगा मुझसे इबादत करेगा मुझसे नियाज करेगा मुझसे पूछे मुझसे कहेगा कि खुदाया मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है खुदाया मुझसे इतमास करेगा खुदाया मुझे ये चीज़ दे दे मुझसे दुआ करेगा मुझसे कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुदाया तेरी तारीफ है मैं तेरी तारीफ करता हूँ रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाएगी तो मेरा ये माशू उठेगा और मुझसे बात करने के लिए खड़ा हो जाएगा ये कैसा माशूक है कि मैं रात भर उसके इंतजार में बैठा रहता हूँ लेकिन यह रात में जैसे ही आती है तो खाब गफलत में सो जाता है और मुझे फरामोश कर देता है ये कैसा मेरा माशूक है ये कैसा मेरा बंदा है जो रात में सो जाता है और मेरी परवाह नहीं करता जबकि मैं उसके रातों में मुंतजिर बैठता हूँ सारे रहमत के दरवाजे खोल देता हूँ कि इस वक्त इस रात में जो ये बंदा बा मांगेगा मैं उसे दे दूंगा लेकिन ये कैसा बंदा है जो लेने के लिए तैयार नहीं मैं ऐसे अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता हूँ लेकिन ये उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं और बाद में कहते हैं खुदाया मुझे इस चीज़ की जरूरत है मैं रातों में अपने बंदों का मुंतजर हूँ अलबत् दिन में भी खुदाएँ कबूल कर लेता है खुदा बंदों की दुआएँ कबूल करता है लेकिन रात बेहतरीन जरिया है अल्लाह से मुनाजात करने का अल्लाह से दुआएँ मांगने का दावंदम इंतज़ार में रहता है कि मेरा बंदा आएगा मुझसे मुझसे राजज करेगा मुझसे बातें करेगा लेकिन यही जब इंसान खलूस होगी तो उसकी इबादत उसकी नमाजें कबूल की जाएंगी इसलिए इमाम सदक आलासलम ने इर्शाद फरमाया मनसल्ला रक आतयी या आलम उमायक़ूल फ़ी ही माँसरफा बेन बन दमबुल्ल तमाम ज़ाफर सदक़ आलातम इर्शाद फरमाते हैं कि मनसल्ला रक आता जो शख्स दो रकत नमाज़ पढ़े कैसी याम उमायक़ूल फ़ी ही माँ इस हालत में कि उसे पता हो वो जानता हो कि वो इस नमाज में क्या कह रहा है जो बोल रहा है उस पर ध्यान भी दे रहा है ऐसा नहीं कि बोल रहा है कि अलहमद लबी आलमी लेकिन अब बातें कहीं और चल रही हो, और कहीं और घूम रहा है जहन कहीं और है और नमाज में बोलता है उसकी जबान चल रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है लेकिन वो समझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन समझ में आए कि मैं अल्लाह की हमद कर रहा हूँ अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ वो समझे मा यकूल हो या जानता भी हो कि वो क्या कह रहा है वंस फ़ीहिमा अनशरफा व लई साह बईना हुआ बैन अल्लाजम तो इस हालत में जब वो नमाज को ख़त्म करता है जब वो ख़त्म हो जाता है नमाज इबादत को ख़त्म करता है तो ऐसी हालत में उठता है कि लई साह बई न बैन अल्लाह जम तो उसके और अल्लाह के दरमियान एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता सारे गुनाह उसके पाक हो जाते हैं सारे गुनाह उसके धो दिए जाते हैं खुदा आलम से यही दुआ है कि हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए और हमें अपने आबदीन में शुमार फरमाए असलकुम वरह व